मानव शरीर को रक्त की आवश्यकता होती है, सबसे ज़्यादा जरूरत रक्त की, और इसका कोई विकल्प नहीं है। उसी तरीके से अपने को एक काम और करना पड़ेगा, जो धरती पे सभी प्राणी है, चाहे मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी जिनमें जीव है, सब में सबको आवश्यकता है ऑक्सीजन की, और उस ऑक्सीजन के लिए अपने को क्या करना होगा, क्या करना होगा, एक आनंद वृक्ष लगाना होगा। ज्यादा की ज्यादा संख्या की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भी लगाए, चाहे एक भी लगाए, लेकिन वो एक जीवित रहना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, और सबको फिर वो खुद अपने ऑक्सीजन देना चाहिए। जब तक वो बड़ा नहीं हो, तब तक उसका अपने बच्चे और अपने परिवार की तरह उसका ख्याल रखना होगा। अपन हजारों संख्या में, लाखों संख्या में पेड़ तो लगा देते हैं, लेकिन उनकी उनकी देखभाल नहीं होती, और फिर वो जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उससे बढ़िया तो अपन एक ही पेड़ लगाएं और एक ही पेड़ की सुरक्षा करें और वो ऑक्सीजन दे, तो शायद यह भी रक्तदान की तरह, यह भी ऑक्सीजन का भी बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। हम सब लोग मिलके, बरसात का मौसम है, इसमें अभी पेड़ आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं और आसानी से लग भी सकते हैं। जहाँ पानी नहीं है वहाँ भी बरसात के पानी से लग सकते हैं, थोड़ी सी सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो बड़ी संख्या में जो ऑक्सीजन की कमी चल रही है, अभी अभी अपने कोरोना में देखा, तो वो दूर होगा। रक्त का अपन दे ही रहे हैं, सभी लोग कई सालों से दे रहे हैं, और ये ऑक्सीजन का और नया अपन कर रहे हैं, तो ये सभी प्रण लेंगे अपन की भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपन पेड़ लगाएं, और वो पेड़ लगाएं जिससे अपन ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिले। बाकी एमएलए साहब और सभी ने आपको बताई आए हैं, एमएलए साहब ने कुछ बातें बताई, वास्तव में वो चिंतन और मनन करने योग्य है। उनको अपन मनन करेंगे, हम विश्वास दिलाते हैं एमएलए साहब को कि सभी भाई हम आपके साथ में हैं, और आप जैसे भाई 2023 में आपके साथ और कई भाई बजेंगे विधानसभा में। बाकी आप सभी का धन्यवाद। भीलवाड़ा में पिछली बार में आया, वही जोश और उत्साह आज भी वही है, और आगे भी ऐसे ही बनाए रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही बनाए रखेंगे। धन्यवाद।
अधिक संवाद कर रहे हो।